मिल गए हैं अपने टॉप टू हो चुके हैं ये अविक्त, यानी कि घर से बेघर हो चुके हैं। कौन हो चुके हैं घर से बेघर, चलिए आप लोगों को बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एमसी स्टैन से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, ये एक्चुअली में जो हमारे चैनल पे आते हैं सब लोग प्रियंका को पसंद करते हैं, मैं भी प्रियंका को पसंद करती हूँ, तो उनके बारे में चर्चा करते रहती है और काफी सारी अच्छी चीजें प्रियंका करती रहती है। पर कुछ लोग जो एमसी स्टैन के फैंस है उनको शायद मेरी तारीफ की हुई पसंद नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वोटिंग ट्रेंड बताया था, प्रियंका पहले नंबर पे है, शिव ठाकरे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एमसी स्टैन। एमसी स्टैन के काफी सारे फैंस बोल रहे थे चल हट झूठी, फेक न्यूज बनाती है, एमसी स्टैन पहले नंबर पे है। तो उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि जो वोटिंग ट्रेंड मैंने आप लोगों को बताया था उसी के आधार पर शालिन घर से बेघर हुए, उसी के आधार पर जो है अर्चना घर से बेघर हुई, अभी उसी के आधार पर एमसी स्टैन घर से बेघर हो चुके हैं। एमसी स्टैन हो चुके हैं एलिमिनेट और टॉप टू बन चुकी हैं प्रियंका और शिव ठाकरे। जो जो चीजें मैंने बोली है वही चीजें हुई हैं। हेटर्स ने काफी सारा मुझे भी तोड़ने की कोशिश की है, पर आखिरकार जिसको हम पसंद करेंगे वैसे भी तो हम होंगे, टूटने वाले नहीं है प्रियंका के जैसे ही। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।